हरिओम विद्यार्थी, धोरण सात विषय हिंदी। तो आज हम विषय हिंदी में चैप्टर 8 मुस्कान के मोती, जो पेज नंबर 45 पे दिया है, यहाँ पे आपके पास बुक हो तो पेज नंबर 45 निकालिए। तो इस पार्ट में मुस्कान के मोती जो पार्ट है, इस चैप्टर में हास्य मनुष्य के जीवन में शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? मनुष्य के जीवन में हास्य, मनुष्य के जीवन में हास्य शक्ति प्रदान करता है। हास्य मनुष्य के जीवन को शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है। हंसी, क्रोध, चिंता और शोक का भोग देती है, साथ ही वह सुखी और स्वास्थ्य की चाबी है। साथ में वह सुखी और स्वास्थ्य की चाबी है। हमारी चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है हम उसको पहचानना सीखे। मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे कुछ हमें चुटकुले दिए गए हैं जो पढ़कर हम हंसी प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे चुटकुला है, चिंटू तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? चाटा का अर्थ क्या होता है? तमाचा। જે આપણે ગુજરાતીમાં શું કહેવાય છે? લાફો, ચાટા યાને કે તમાચા। એ જો ચિંટુ છે તેવું કહે છે કે તમે રાજુને લાફો કેમ માર્યો, એટલે કે ચિંટુ તુમને રાજુ કો ચાટા ક્યો મારા? પિંટુ 15 દિન પહેલે ઉસને મુજે હિપોપોટેમસ કહા થા। હિપોપોટેમસ કા અર્થ ક્યા હોતા હે? एक बड़ा शरीर वाला। जानवर, एक बड़ा शरीर वाला जानवर। चिंटू तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? पिंटू 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। चिंटू तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? એટલે કે ચિંટુ એવું કહે છે કે તમને 15 દિવસ પહેલા હિપોપોટેમસ કહ્યું હતું, તો તમે હવે 15 દિવસ પછી કેમ તેને લાફો મારો છો? ત્યારે પિંટુ શું કહે છે કે મેને કલ હી સર્કસ મેં હિપોપોટેમસ દેખાયા। એટલે કે આ જોક્સમાં એવું કહે છે યાર યાની કી મિત્ર। यार का अर्थ क्या होता है? मित्र। એટલે કે આ પહેલીમાં, એટલે કે આ ચુટકુલામાં એવું કહેવા માંગે છે કે જે ચિંટુ હતો તે રાજુને એક લાફો મારે છે, કેમ કે રાજુએ તેને 15 દિવસ પહેલા હિપોપોટેમસ કહ્યું હતું, પણ તેને હિપોપોટેમસ શું કહેવાય તેના વિશે ખબર હતી નહીં, તેને જોયું પણ ન હતું। તેને 15 દિવસ પછી જ્યારે તે સર્કસમાં ગયો અને તેને હિપોપોટેમસ જોયું ત્યારે તેને રિયલાઈઝ થયું કે આ તો હું આવો લાગુ છું, તેને મને હિપોપોટેમસ કહ્યું કે એટલા માટે તે લાફો મારે છે, એટલે કે લાઈટ મોડી થાય છે તેને। ઉસકે બાદ દૂસરા આગે પતિ, અબ મે ભૂલકડ નહીં રહુંગા, મુજે સબ યાદ રહેગા। ભૂલકડ યાની કે બહુત ભૂલને વાલા। ભૂલકડ કા અર્થ ક્યા હોતા હે? બહુત ભૂલને વાલા। पति कहता है अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूंगा, मुझे सब याद रहेगा। पत्नी कहे वह कैसे? पत्नी क्या कहती है? वह कैसे? पति देख मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके।
तरीका का अर्थ क्या होता है? उपाय। तरीका का अर्थ क्या होता है? उपाय। एटले कि जे एक पति पत्नी होय छे तेमा पति पत्नी ने एवुं कहे छे के हवे हूँ बिल्कुल भूलक्कड़ रह्यो नथी, हवे हूँ भूलक्कड़ नहीं रहूं, हवे मने बधुं ज याद रहेशे। एटले पत्नी एवुं कहे छे के केवी रीते? तो पति एवुं कहे छे जो हूँ एक नवी पुस्तक खरीदीने लाव्यो छूं तेनुं नाम छे के याद राखवाना 1000 उपाय छे। पत्नी के हा हाय राम, આવી બુક તો તમે 10 વખત લઈને આવ્યા છો। ભિખારી 1 રૂપિયા દે દો સાહેબ। ભરત કલ આના। ભિખારી કલ આને કે ચક્કર મેં ઇસ મોહલ્લે મેં મેરે લાખો રૂપિયે ફસે। એટલે ભિખારી 1 રૂપિયા દે દો સાહેબ। ભરત કલ આના। ભિખારી કલ આને કે ચક્કર મેં ઇસ મોહલ્લે મેં મેરે લાખો રૂપિયે ફસે। उसके बाद है शिक्षक। रमेश 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? शिक्षक रमेश से प्रश्न कर रहा है कि 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे। तो रमेश ने कहा गुरुजी 0 निकाल दीजिए। क्या कह रहे हैं कि रमेश क्या कह रहा है कि गुरुजी 0 निकाल दीजिए तो 5 बच जाएंगे। उसके बाद आगे है सुशील। मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियां गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं है। तो गीता, मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियां जलाकर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं है। तो क्या मतलब तिलियां खरीदने का? जो सुशील है वो कहता है मेरे पिताजी डिबिया खरीदते हैं तो गिन लेते हैं कि कितनी तिलियां हैं, उसमें से कोई कम तो नहीं है। और जो गीता के पिताजी हैं वो क्या देखते हैं? जब भी माचिस की डिब्बी खरीदते हैं सब जला के दे, सब जला लिया तो खत्म हो गई, दूसरी बार कहाँ जलती होगी, जलती है नहीं। तो सुरेश, यह टायर कैसे पंचर हो गया? महेश, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? महेश, क्या बताओ यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के बीच आ गई। सुरेश, अरे यार ये टायर कैसे पंचर हो गया? महेश, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? महेश, क्या बताओ यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरे कार के नीचे आ गए। उसके बाद यहाँ है तो कुछ चित्र दिया है, आपके जूते बाहर निकालिए। तो इस चित्र पर से हम जॉक्स बना सकते हैं। जिस तरह के आप लोग कोई भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओ तो बाहर बोर्ड लगाया हुआ है, उस पर लिखा हुआ होता है कि जूते बाहर निकालिए। तो यहाँ पे जो सहजादे ने देखो जूते बाहर निकाले, यानी कि जूते पहन कर ही आधे पैर मंदिर के बाहर और आधा अंदर, जैसे कि सोया हुआ चित्र दिखाई दिया है उससे भगवान के दर्शन कर रहे हैं। कैसे कैसे लोग हैं देखो। उसके बाद दूसरा चित्र है, जैसे कि रावण का चित्र है। डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है। जैसे आपने देखा होगा कि रावण के कितने सिर हैं? 10 सिर होते हैं ना। तो डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है, आपकी कुछ इलाज कीजिए। उसके 10 सिर हैं, 10 सिर में कौन से सिर में दर्द कर रहा है वो उसको पता नहीं है पर सिर में दर्द कर रहा है। तो डॉक्टर साहब आप पता कीजिए कि कौन से सिर में दर्द है, डॉक्टर को कैसे पता चलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे तीसरा चित्र दिया है कि हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य, यानी कि हाथी के ऊपर शीर्षासन कर रहा है मनुष्य। तो आपको इस चित्र में देखा, अब हाथी की बारी। तो हाथी मनुष्य के सिर पर
करना चाहता हैं। आप हाथी की इच्छा पूर्ण विजुअल बनाइए, वैसा ही चित्र। जरूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं। इस चित्र को उल्टा करें तो कहाँ जाएगा मनुष्य? तो यहाँ पे ये कुछ चुटकुले दिए थे जो हमने यहाँ पे पढ़े। એટલે કે ફરીથી એક વાર કે અહીંયા ચિંટુ પિન્ટુ બંને છે અને એક રાજુ, એ ત્રણે ભાઈ બંધ છે। તો અહીંયા ચિંટુ છે તે રાજુને તમાચો મારે છે। શું કરે છે? રાજુને તમાચો મારે છે। પિન્ટુ 15 દિવસ પહેલા તેને મને હિપોપોટેમસ કહ્યો હતો। તો ચિંટુ કહે તો પછી 15 દિવસ પછી આજે કેમ તમાચો માર્યો? તો પિન્ટુ શું કહે છે કે મેં ગઈકાલે જ સર્કસમાં હિપોપોટેમસ જોયો। તેના પછી છે પતિ અને પત્નીની વાત છે। તો પતિ કહે છે કે હવે હું બિલકુલ પણ ભૂલક્કડ નથી, હવે મને બધું યાદ રહેશે। પત્ની કહે તે કેવી રીતે? તો પતિ કહે કે હું હવે એવી બુક પુસ્તક ખરીદીને લાવ્યો છું કે જેમાં યાદ રાખવાના 10 તરીકા છે। પત્ની કહે હાય રામ, આ પુસ્તક તો તમે 10મી વખત ખરીદીને લાવ્યા છો। ભિખારી કહે છે 1 રૂપિયો આપી દો સાહેબ। તો ભરત શું કહે છે કે કાલે આવજો। તો ભિખારી કહે કાલે આવવાના ચક્કરમાં આ મોહલ્લામાં મારે લાખો રૂપિયા ફસાઈ ગયા છે। શિક્ષક રમેશ 50માંથી કેટલા ઓછા કરવાથી 5 બચશે? શિક્ષક શું કહે છે કે રમેશ 50માંથી કેટલા ઓછા કરવાથી 5 બચશે? ત્યારે રમેશ શું કહે છે ગુરુજીને કે ગુરુજી તમે 0 કાઢી નાખો તો 5 બચી જશે। તો તેના પછી આગળ છે કે સુશીલ, તો મારા પિતાજી દિવાસળીની માચીસનું બોક્સ ખરીદે છે, તો બધી દિવાસળી ગણે છે કે કોઈ બોક્સમાં દિવાસળી ઓછી તો નથી? ત્યારે ગીતા શું કહે છે કે મારા પિતાજી જ્યારે પણ બોક્સ ખરીદે છે ત્યારે બધી દિવાસળીને સળગાવીને જુએ છે કે કોઈ દિવાસળી ખરાબ તો નથી। સુરેશ, આ ટાયર કેવી રીતે પંચર થઈ ગયું? તો એક કાચની બોટલ પર ચડી ગયું હતું, ત્યારે શું તે બોટલ ના દેખાય? તે બોટલ ના દેખાય? શું તે બાટલી ન દેખાય? શું કહું યાર, તે માણસના ખિસ્સામાં હતી જે મારા કારની નીચે આવી ગયો હતો। ડોક્ટર સાહેબ, મેરે સિર મે, એટલે યાની કે અહીંયા આ જે ચિત્ર આપ્યા હતા તેના પરથી પણ આપણે પહેલી બનાવી, હાથી મનુષ્ય કે સિર પર શીર્ષાસન કરે એ સચમુચ અસંભવ હૈ, હોતા હૈ અભી નહીં, ક્યુંકિ હાથી કિતના બડા જાનવર હૈ, મનુષ્ય કે ઉપર શીર્ષાસન કર સકતા હૈ નહીં, મનુષ્ય મર જાતા હૈ। હાથી કા એક પેર ભી અગર મનુષ્ય પર પડે તો, ઉસકે બાદ યહાં પે આગે અભ્યાસ મે इकाई में दिए गए चुटकुलों के दो दो युद्ध में अभिनय के साथ प्रस्तुत कीजिए। आपने सुने हुए मजेदार चुटकुले सुनाइए। प्रश्न 3 में उदाहरण के अनुसार एक शब्द रख कर चुटकुला बनाइए। तो यहाँ पे प्रश्न 3 में आप लोगों को करवाती हूँ। शिक्षक हेतल मिठाई नहीं खाती, इसमें हेतल क्या है? छात्र मूर्ख। माँ माँ बेटा घर में कुत्ता कैसे आ गया? बेटा घर में कुत्ता कैसे आ गया? तो बेटा क्या जवाब देता है? बेटा तो चल घर। कैसे आ गया? चल घर। उसके बाद यहाँ पे दूसरा दिया है, दुकानदार आप कब से? दुकानदार
खड़े खड़े चीजों को देख रहे हैं। न्यायाधीश बैंक का दरवाजा तोड़ने का कारण बताओ। तो चोर क्या बताता है? ताला। बैंक का दरवाजा तोड़ने का क्या कारण है? तो ताला। यह आदत आपको कब से है? तो पुलक पर
एक गोलकपड़ आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और अपने भूल जाने की बीमारी के बारे में बताया। तो तभी डॉक्टर ने कहा कि यह आदत आपको कब से है? तो गोलकपड़ ने क्या कहा? याद नहीं। उसके बाद यहाँ पे आगे हैं प्रश्न चार। प्रश्न चार में क्या दिया है? हंसोगे फिर भी हंसोगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दीजिए। यहाँ पे प्रश्न चार के पहला प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो? क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो? तो ना। दूसरा है, क्या तुम अकेले पागल हो? तो ना। तीसरा है, मेरे लिए हुए पांच सौ रुपये खर्च कर दिए। तो हाँ, क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो? तो ना। क्या तुम अकेले पागल हो? तो ना। मेरे दिए हुए 500 रुपये खर्च कर दिए? तो हाँ। कैसे सवाल है? उसके बाद है स्वाध्याय के प्रश्न हैं, उसमें जो दिए चुटकुले और वो सब हैं वो हम जब हमारा नेक्स्ट पीरियड आएगा तब मैं आपको करवाऊंगी। आज हम यहाँ अभ्यास तक ही रखते हैं विद्यार्थी मित्रों। ऐसे कुछ चुटकुले हो, ऐसे चुटकुले हम तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, सुबह में जो समाचार पत्र आते हैं उनमें हर सैटरडे यानी कि हर शनिवार को ऐसे कुछ आता है उसमें चुटकुले दिए हुए होते हैं, तो आप लोग उसमें से पढ़ना और कुछ और एक्स्ट्रा चुटकुले अपनी नोटबुक में लिखना, ठीक है? और यहाँ पे जो अभ्यास मैंने करवाया वो आप लोग अपनी नोटबुक में लिखना। ये अपने स्वाध्याय है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का ये लेक्चर मैं यहाँ पे पूर्ण करती हूँ।